हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कुवे है और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। यह चैनल वेटनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बनाया गया है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे अल्ना ऑफ ऑक्स। अगर आपने रेडियस ऑफ ऑक्स नहीं देखा सो आई रिक्वेस्ट यू, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। सो अल्ना एक लॉन्ग टाइप बोन है। सो अगर आपको बेसिक फीचर्स ऑफ लॉन्ग टाइप बोन पता हो तो उसमें दो एपिफाइसिस और एक डायफाइसिस होता है। सो यह अगर पहली वीडियो अगर आप देख रहे हैं सो आई रिक्वेस्ट आप जाके पहले टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोन समझने में आसानी हो। सो अल्ना का डायफाइसिस प्रिज्मेटिक शेप का होता है। अगर आपने प्रिज्म देखा होगा उसमें तीन सरफेस और तीन बॉर्डर्स होते हैं, उसी तरीके से अल्ना में भी तीन सरफेस एंड तीन बॉर्डर्स होते हैं। सो अल्ना का पहला हम देखेंगे क्रेनियल सरफेस। क्रेनियल सरफेस कॉन्वेक्स होता है। जो कि रेडियस के कॉडोलैटरल एस्पेक्ट से फ्यूज होता है। कॉडो मतलब कॉडल साइड, लैटरल मतलब लैटरल बाहर की तरफ। सो कॉडोलैटरली अल्ना का क्रेनियल सरफेस रेडियस से फ्यूज होता है। थ्रू आउट द लेंथ मतलब पूरा रेडियस अल्ना से जॉइंट होता है। सिर्फ दो जगह मतलब दो इंटरऑशियस स्पेस के जगह पर वह फ्यूज नहीं होते। इंटरऑशियस स्पेस का मतलब होता है दो बोन्स के बीच के स्पेस। सो ऐसे दो स्पेस होते हैं रेडियस पर जहां अल्ना उससे फ्यूज नहीं होता। ऊपर वाले को प्राइमरी इंटरऑशियस स्पेस कहा जाता है और नीचे वाले को डिस्टल इंटरऑशियस स्पेस कहा जाता है। आई होप आपको क्रेनियल सरफेस के बारे में समझा हो। नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस मतलब जो मीडियन लाइन की तरफ होता है उसे मीडियल सरफेस कहा जाता है। सो वह कॉनकेव है। क्रेनियल सरफेस कॉन्वेक्स था और मीडियल सरफेस कॉनकेव है। नेक्स्ट है लैटरल सरफेस जो कि स्ट्रेट है। सो अल्ना के तीन बॉर्डर्स हैं, उसमें से कॉडल बॉर्डर कॉनकेव है। मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर स्ट्रेट है। अल्ना के प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस पे एक मैसिव प्रोजेक्शन मतलब काफ़ी बड़ा प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे ओलिक्रोनॉन प्रोसेस कहा जाता है। सो ओलिक्रोनॉन प्रोसेस के दो सरफेस एंड दो बॉर्डर्स होते हैं। सो उसमें एक सरफेस होता है मीडियल जो कि स्मूथ होता है और कॉनकेव होता है। अब लैटरल सरफेस रफ होता है एंड कॉन्वेक्स होता है।
सो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मीडियल सरफेस स्मूथ है वेरास लैटरल सरफेस रफ है। मीडियल सरफेस कॉनकेव है वेरास लैटरल सरफेस कॉन्वेक्स है। सो अल्ना के लैटरल सरफेस पे कुछ मसल्स अटैच होती है। सो ऐसे तीन मसल्स अटैच होते हैं जिनके नाम है ट्राइसेप्स ब्रकाय, टेंसर फेशिया एंटीब्रकाय एंड एनकोनियस मसल। ऐसे तीन मसल है जो कि अल्ना के लैटरल सरफेस पे अटैच होती है। नेक्स्ट है कॉडल बॉर्डर एंड क्रेनियल बॉर्डर। कॉडल बॉर्डर कॉनकेव है, क्रेनियल बॉर्डर स्ट्रेट है। यह क्रेनियल बॉर्डर नीचे की तरफ स्लोप डाउन करती है और लास्ट में जाके प्रोजेक्शन पे खत्म होती है। अगर आपने कोई हिल देखी होगी उसमें भी स्लोप होता है, उसी तरीके से क्रेनियल बॉर्डर का स्लोप नीचे की तरफ स्लोप करते हुए प्रोजेक्शन पे खत्म होता है, जिसे अनकोनियस प्रोसेस कहा जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू आप टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको प्रोसेस की डेफिनेशन एंड प्रोसेस के एग्जाम्पल्स पता चलेंगे। यह अनकोनियस प्रोसेस पर एक ओवरहैंग होता है, उसे सेमी लूनार नॉच कहा जाता है। सो अनकोनियस प्रोसेस केस में हैंगिंग तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसे सेमी लूनार नॉच कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्टल एपिफाइसिस, जिस पर एक पेंसिल लाइक प्रोजेक्शन होता है। उस पेंसिल लाइक प्रोजेक्शन को स्टाइलॉइड प्रोसेस कहा जाता है। सो हमने तीन प्रोसेस देखे हैं अल्ना में। एक है ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, नेक्स्ट था अनकोनियस प्रोसेस एंड थर्ड है स्टाइलॉइड प्रोसेस। यह स्टाइलॉइड प्रोसेस लैटरली बाहर जाके एक फैसेट में कंप्लीट होता है, जहां अल्नार कार्पल बोन यह अटैच होता है। याद रखिए रेडियस एंड अल्ना के बाद कार्पल बोन्स आते हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और भी वीडियोस मैं इस चैनल पर लाती रहूँगी। तब तक आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।